पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 18-19 मई की रात हुए कार हादसे में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग के माता पिता दादा दादी समेत अब तक कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं देश भर में बढ़ रहे बाल अपराधी के मामलों पर मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी डॉक्टर बसंत सोनी, जो कि किशोर न्यायालय बोर्ड खरगोन के पूर्व मेंबर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कानून में संशोधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पुणे कार हादसे को लेकर उन्होंने कहा है कि बाल अपचारी शराब के नशे में था, इसलिए पुलिस को इस ओर भी गौर करना चाहिए कि क्या बियर बार में नाबालिगों को शराब परोसना वैधानिक तौर पर सही है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें नाबालिगों को दुकानदारों द्वारा शराब देने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो। वहीं बाल अपराधों की संख्या को कैसे घटाया जाए, इस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, खास तौर पर बच्चों में अपराध को लेकर के डर बना रहे, इसके लिए क्या कुछ सुझाव दिए हैं, चलिए आपको बताते हैं। मैं डॉक्टर बसंत सोनी, पूर्व सदस्य किशोर न्यायालय बोर्ड खरगोन। अभी पूना का केस जो आपने देखा है उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो बाल अपचारी था वो अपने मित्रों के साथ उसने पहले शराब का सेवन किया। मेरा यहीं पर एक पूछने का बात आती है कि बियर बार में क्या नाबालिग को शराब परोसना वैधानिक तौर पर सही है या नहीं, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब बाल अपचारी के द्वारा दो निर्दोष लोगों की जान ले लेना, उसके पश्चात कम धाराओं में केस बनने के पश्चात बाल अपचारी बिना किसी दबाव के सम्मान के साथ छूट जाता है, उससे बाल अपचारी को कोई डर या घबराहट नहीं होना, ये हमारे समाज में एक कुरीति पैदा करता है। बाल किशोर न्यायालय बोर्ड में सुधार की बहुत आवश्यकता है। अभी हम देखते हैं कि तम्बाकू खरीदना, बीड़ी सिगरेट पाउच खरीदना, उस समय उस दुकानदार को बेचने पर सजा का विधान हमारे संविधान में दिया हुआ है, लेकिन शराब माफियाओं को शराब पिलाने के लिए कठोर कानून नहीं होना इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं चाहता हूँ कि किशोर न्यायालय बोर्ड में इस बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। हमारे खरगोन जिले को हम देखते हैं, यहाँ पर एक विशेष जाति के लोग देशी पिस्टल बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा जब भी पुलिस अपनी मेहनत करके किशोर बाल अपचारी को पकड़ कर लाती है, वह हमारे यहाँ अधिकतम 500 रुपये की दंड पर छूट जाता है। उस बाल अपचारी को आगे करके बड़े अपराधी इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें सुधार नहीं होगा तो बाल अपचारियों का दुरुपयोग होता रहेगा, जो समाज में अच्छी सोच नहीं बन पाएगी। और हम चाहते हैं कि किशोर न्यायालय में पुनः विचार करके बाल अपचारी की उम्र और कम की जाए। सबसे पहले तो 18 साल जो उम्र तय की है उसको 16 साल करना चाहिए, क्योंकि 16 साल का उम्र का बच्चा भी अपना भला बुरा अच्छे से समझने लगा है। अब हम बड़े बड़े अपराधों को देखेंगे तो हर अपराध के पीछे बाल अपचारियों को आगे करके कुछ तथा कथित बड़ी शक्तियां उनके पीछे लगी रहती है। वो अच्छे से ये जानते हैं कि नाबालिग बच्चों को कोई सजा मिलने वाली नहीं है, इनको हम आगे करके हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। लोकल एटिन के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।